हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करते स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मजे में होकर पॉजिटिव फील कर रहे हो। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके साथ मतलब जो भी इस रिलेशनशिप में चल रहा है, लव रिलेशनशिप में, उस रिलेशनशिप के लिए यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ आपको फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है। हम देखेंगे यूनिवर्स का मैसेज आपके इस लव रिलेशनशिप के लिए। ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखिए, देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। गाइड करें यूनिवर्स, मैंने जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप इनके लव रिलेशनशिप के बारे में, पार्टनर के बारे में, इनके जो भी क्रश है उनके बारे में आप क्या सजेशन देना चाहोगे, इनको क्या कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज जो इनके लिए जानना ज़रूरी है, हमको ट्रू मैसेज दें यूनिवर्स, गाइड करें। ये यूनिवर्स के मैसेज हैं आपके लिए, ठीक है। यूनिवर्स आपको जो बताना चाह रही है आपको डेफिनेटली फॉलो करना है, और ये है नियर फ्यूचर यूनिवर्स की तरफ से जो आपके नियर फ्यूचर में लिखा है, ठीक है। और यस, द हर्मिट के एनर्जी बॉटम में है आपके पार्टनर, जो इस वक्त बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, अकेले पड़ चुके हैं, ठीक है। लाइफ के बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस उन्होंने ले लिए हैं, उनके पास सब कुछ नॉलेज है, लेकिन उसका इस्तेमाल वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, दूसरों को गाइड कर रहे हैं, दूसरों को हेल्प कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि उनके साथ सब बुरा हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है। एकदम अकेले और नेगेटिविटी से भर चुके हैं इस वक्त आपके पार्टनर, या आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स है, ठीक है। हम देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप के लिए आपके यूनिवर्स के क्या मैसेज, आपको इंपॉर्टेंट मैसेज यूनिवर्स दे रही है। तो यस, यूनिवर्स आपसे कह रही है आपके ये जो भी पार्टनर है नियर फ्यूचर आपके साथ शादी देखते हैं, ठीक है। आपके आपको इनकी तरफ से कम्युनिकेशन भी आ सकता है और ये चाहते हैं आपसे शादी करना, इनके दिल में है, ठीक है। इस वक्त ये बहुत ही अकेला महसूस कर रहे हैं खुद के लिए, और इनको मतलब लग रहा है कि सारी दुनिया खुश है, बस वो अकेले है, ठीक है। तो ये जो फीलिंग है इनकी दिल से आ रही है, तो इसलिए यूनिवर्स का ये कहना है कि आपके पार्टनर ही डेफिनेटली आपके पास आएंगे, और वो दिल से आ रहे हैं। तो अगर ये आते हैं तो 6 या 8 दिन में आ जाए आपके पास, तो ये आते हैं तो आपको उनसे ठीक से बात करनी है, ज़्यादा एटीट्यूड नहीं दिखाना है, ठीक है, क्योंकि आपको शादी का कमिटमेंट देने आ रहे हैं, ठीक है। आपका रीयूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है, और डेफिनेटली जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन इस रिलेशनशिप में थी, उस वो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो छोड़ के आते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो उनको छोड़ना चाहते हैं, इस तरह से यूनिवर्स का भी आपको मैसेज है। यूनिवर्स आपको दिल से कहना चाहती है कि आपके ये जो भी पार्टनर है वो थर्ड पार्टी से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, और डेफिनेटली उनको छोड़ेंगे वो, ठीक है। उनको छोड़ के आपके पास आ रहे हैं, तो आपको उनका स्वागत करना है, उनका दिल नहीं दुखाना है, उनको कुछ भी उल्टे सीधे वर्ड्स कुछ भी नहीं बोलना है, ताकि फिर से वो पेनफुल सिचुएशन में जो हर्मिट की एनर्जी इसमें चले जाए, ठीक है। बहुत जल्दी इनका कॉल मैसेज आपको आ सकता है, 3 दिन 5 दिन 6 दिन या फिर 8 दिन में, या फिर यह हफ्तों में भी आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से नज़र आ रहा है यूनिवर्स का इंपॉर्टेंट मैसेज था आपके लिए नियर फ्यूचर में। आपके इस रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर है फिर से कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इनको फिर से कोई और नया ऑफर आते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन वो उसको रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि यूनिवर्स आपको कह रही है कि आपको जो उनका ऑफर है ना वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके पास दिल से आ रहे हैं इस वक्त, ठीक है। आपके साथ डेफिनेटली वो शादी करना चाहते हैं, और आपको आने के बाद ये वही बताएंगे, ये यही बताएंगे कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है तो मुझे माफ़ कर दे, और प्लीज़ मुझे स्वीकार कर ले, इस तरह से आपको बोलेंगे। तो आपको उनके बात के ऊपर भरोसा कर लेना है, क्योंकि वो दिल से कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं, क्योंकि उनको इतना माइंड इनका कन्फ्यूज़ हो चुका है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उन्होंने भगवान के भरोसे छोड़ दिया है, और भगवान इनको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहा है, और इसीलिए भगवान ने कहा, भगवान आपको खुद बता रहे हैं, यूनिवर्स आपको खुद बता रहे हैं, आपको ओपन माइंड रख के उनकी जो भी बातें वो दिल से सुन लेनी है, और यस, वो झूठ कुछ भी नहीं बोल रहे हैं आपसे, ठीक है। वो डेफिनेटली आके आपको ऑफर देंगे शादी का, या फिर आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है। और ये होते हुए दिखाई दे रहा है नियर फ्यूचर, और ये ज़रा से नर्वस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, शायद आप इनका ऑफर को रिजेक्ट करोगे इसलिए नर्वस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपको इनका ऑफर को रिजेक्ट नहीं करना है, ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए प्रॉपर गाइडेंस है, ठीक है। आपको इन गाइडेंस को अपनी लव लाइफ में फॉलो करना है, ठीक है। और आपके पार्टनर जो है एरिज लेस सजिटेरियस हो सकते हैं, और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है, और यस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी हो सकते हैं। तो यस, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।